मासिक कब आया? 5 जनवरी को आया था, 20 जनवरी को आया। ठीक है, और ये कितने दिन की हो गई? 1 साल 2.5 महीना की, 22 जनवरी 22 तारीख को ना 3 महीना पूरा जाएगा, 1 साल 3 महीना। नॉर्मल डिलीवरी ना, पूरा चेकअप मेरे यहाँ हुआ था ना, क्योंकि हम तुमको बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं, आपको भी पहचान रहे हैं। यानी कि 20 जनवरी के हिसाब से लगभग 4 महीने का बच्चा है, 3.5 से 4 महीने का बच्चा है अभी। और कुछ परेशानी? कुछ तो नहीं। तो बहुत जल्दी बच्चा लाने का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा हम देखो, अभी ये लगभग 2.25 साल की हो जाएगी, 2.25 साल से कम, तब तक तुम्हारा सेकेंड बेबी आ जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा कम स्पेस है। एक तो बच्चा पालने में थोड़ा सा तुमको पहला 2 साल बहुत किचकिच होगा, दिक्कत होगा, तो ये घाटा है। दूसरा घाटा ये है कि तुम्हारा हेल्थ पे असर पड़ेगा अगर तुम अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखती हो। तो अपना ध्यान रखो, अब तो ले आई हो तो अपना ध्यान रखो, खूब अच्छे से खाना पीना खाओ प्रेगनेंसी के दौरान, इसका भी केयर करो, नानी दादी तो है ही केयर करने के लिए। और चलो बहुत बढ़िया, पेन चाहिए तो फिर चलो अब मम्मा का हम लोग चेकअप करेंगे। तो मम्मा जीभ दिखाइए तो, वेरी गुड। थोड़ा सा खाना आयरन कैल्शियम पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि पेट में जो बच्चा है उसका ग्रोथ अच्छा हो, है ना? ठीक है, चलिए आपको हम चेक कर लेते हैं।